वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यार एक बड़ी और बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है। तो हाँ, धमाकेदार खबर कह लो इसको। तो चाइना की फिर अटकने लगी है, तो आप समझ चुके हैं क्या अटकने लगी है। तो मैं सीधा पहले टाइटल बताऊंगा, वो था हिंदी में तो हमने ट्रांसलेट किया। तो वीडियो का जो टाइटल है, भारत ने बनाया प्रोजेक्ट 18। अब ये प्रोजेक्ट 18 क्या है, जिसको प्रोजेक्ट 18 नाम दिया गया? क्योंकि अक्सर हमने चीज नोट की है, ज्यादा ज्यादा कोई मिसाइल हो कुछ भी हो तो मतलब उनके नाम होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट 18 फर्स्ट टाइम, मतलब ये मैंने इस टाइप का पहले तो चीज हमने खुद सुना है। और थंबनेल में कोई बहुत ही खतरनाक चीज बनी हुई है, वो आप लोगों ने देख भी ली होगी। तो मतलब ये शायद कोई मिसाइल हो या कोई और हथियार हो सकता है। हो सकता है। तो जल्दी से देखते हैं क्या चीज। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेस्ट किस्म की वीडियोज लाते रहते हैं डिफेंस से की। तो जल्दी से देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो। तो दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने सभी को चौंका दिया है, खासकर कि चीन को, क्योंकि भारत यहां पर प्रोजेक्ट 18 नाम से एक नया हथियार तैयार कर रहा है। और इस हथियार की खासियत यह है कि इसे दुनिया की तीन सबसे खूंखार टेक्नोलॉजियों को मिक्स करके फिर इसे तैयार किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मैसिव ये वेपन है। और भारत की तैयारी यह है कि इसे बनाकर चीनी नौसेना को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके का वेपन चीन आज की तारीख में बनाना तो छोड़िए सोच भी नहीं रहा है। उल्टा चीनी नौसेना के अगर आप 70-75% देखेंगे, डिस्ट्रॉयर है इसमें, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो सारे के सारे कम से कम 20 से भी ज्यादा साल पुराने हैं। तो इन सभी को अकेले ये भारत का हथियार बड़ी इजीली युद्ध के समय हैंडल कर जाएगा, और इसीलिए भारत इस पर पूरा ध्यान लगाए हुए है। तो चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट 18 के बारे में। दोस्तों, जिस हथियार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये भारतीय नौसैनिक इतिहास का सबसे एडवांस और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। भारत ने लक्ष्य ये रखा है कि आने वाले 5 साल के अंदर इसे पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया जाए, और ये होगा भारत का पहला नेक्स्ट जनरेशन नेवल डिस्ट्रॉयर। जी हाँ, विध्वंसक ये भारत का होने जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इसमें तीन बहुत ही खास टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जो इसे पूरी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन बना देगी। सबसे पहले तो ये कि इसमें इस्तेमाल की जाएगी ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे ब्रह्मोस 2 के भी नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि 2026 तक ब्रह्मोस 2 पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। आपको पता है इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर में। दूसरी खास ये कि डिफेंस के लिए इस डिस्ट्रॉयर में लगाए जाएंगे लेजर वेपन। जी हाँ, यानी दुश्मन के जो ड्रोन्स होते हैं, दुश्मन के काली हो गया इस तरह, कोई भी एरियल टारगेट है उसे तबाह करने के लिए इस डिस्ट्रॉयर के अंदर इंटीग्रेट किए जाएंगे हाई एनर्जी लेजर वेपन का। लेकिन एक और जो सबसे खास टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेट की जा रही है, जो दुश्मन की नौसेना को तबाह करने के लिए स्पेशली इसमें लगाई जा रही है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। जी हाँ, दरअसल ये एक बहुत ही खास तरह का वेपन है। इसकी शेप तोप जैसी होती है, लेकिन तोप से कहीं ज्यादा ये एडवांस होती है, कहीं ज्यादा लीथल होती है। इसके अंदर एक प्रोजेक्टाइल का यूज किया जाता है जो गोले की तरह काम करता है, लेकिन उसमें विस्फोटक नहीं होता। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेलगन होती है, उस प्रोजेक्टाइल को बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ फायर करती है। इतनी ज्यादा वेलोसिटी और स्पीड होती है इसके अंदर। शील्ड से लगाइए कि अगर कोई शिप, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसकी रेंज में आ जाए और इसने प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया, तो वो उस शिप के आर पार निकल जाएगा। इतनी ज्यादा हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी इसमें इस्तेमाल की जाती है, और इसीलिए इसे नेक्स्ट जनरेशन माना जाता है। इसे रोका नहीं जा सकता। अगर दुश्मन इस प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए मिसाइल भी छोड़ता है, तो उसे भी चीर के ये इसे इतना ज्यादा विध्वंसक माना जाता है। और भारत इसमें अपनी जो तीनों प्राइम टेक्नोलॉजी है, रेलगन, हाइपरसोनिक मिसाइल और इसके अलावा लेजर वेपन, तीनों को इंटीग्रेट करेगा, जो इसे दुनिया का सबसे विध्वंसक नेवल डिस्ट्रॉयर बना देगा। और चीन इसीलिए बहुत ही ज्यादा नर्वस है आज की तारीख में। क्यों? उसे पता है कि एक बार ये बन गया तो इसे रोक पाना या मार गिराना असंभव होगा। क्यों? अगर उसने मिसाइल फायर की तो हमारे इस पर लगे हुए हैं लेजर वेपन, इसकी तरफ उसने नौसेना भेजी तो इसमें लगी हुई है रेलगन, और इतना ही नहीं,
अगर उसने भारत पर किसी और तरीके से हमला किया, भारत जवाबी कार्रवाई करेगा इसमें लगी हुई ब्रह्मोस मिसाइल से। तो ऐसे में ये अल्टीमेट वेपन होने वाला है और फिलहाल इसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 18 और भारत इसको लेकर काफी सीरियस है, काफी ज्यादा पैसा भी खर्चा किया जा रहा है ताकि इस वेपन को जल्द ही तैयार कर लिया जाए। यार पावरफुल है, लाइक भी बहुत पावरफुल है, कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो यार अगर ये डिस्ट्रॉयर बन गया, सीधी सी मैं बात बोल रहा हूँ, ये मैं कहता हूँ वर्ल्ड का पावरफुल डिस्ट्रॉयर कहलाएगा, शायद पूरी दुनिया में किसी के पास, पूरी दुनिया के पास मैं कहता हूँ अगर इस तरह की जल्दी बन गया तो मैं कहता हूँ मैं पूरी दुनिया में ऐसा डिस्ट्रॉयर किसी के पास नहीं होगा। मतलब भाई डिस्ट्रॉयर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद फ्रिगेट्स आती हैं, फिर कॉर्बेट्स आते हैं। बिल्कुल, तो डिस्ट्रॉयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है यार। तुम खुद अंदाजा लगा लो, तीन किस्म की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, लेजर गन की यूज हो रही है। जो अभी का ब्रह्मोस है ना, वो दुनिया का सबसे घातक ब्रह्मोस है। मतलब क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल की बात कर रहा हूँ। जब हाइपरसोनिक हो गया तो कितना फास्ट होगा आप उसी से अंदाजा लगा लो। वही मैं कह रहा हूँ, तीन किस्म की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में चाइना अभी सोच भी नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि उसको बनाने में भी सोचना कि क्या बनाने में भी उसको साल लग जाएंगे और ये 5 साल के अंदर अंदर रेडी होगा। ये टेक्नोलॉजी चाइना ने अभी तक सोची नहीं है यार। मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ कि ये चाइना क्या यार, मेरे ख्याल से ये अमेरिका और रशिया के पास भी नहीं सोची होगी ऐसी टेक्नोलॉजी। मतलब तीन इतनी घातक बीच में देखे, अभी कोई ड्रोन वगैरह आता है, कोई प्लेन आता है तो उसके लिए वो लेजर होगा, जिस तरह काली हो गया जो पूरा अंदर से नकारा इंजन वगैरह तो मतलब वो गिर जाती है चीज, वो होगा। और रेल गन इतनी पावरफुल कि मतलब वो मिसाइल से भी अगर रोका जाए हो जाएगी तो वो भी तबाह कर देगा वो। यार भाई कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप होती है जो मतलब रास्ते में चली फुल पावर से जाती है जिसकी वजह से मतलब सुराग कर देगी। तो यार नेक्स्ट लेवल हिस्सों में तकसीम कर देगी शिप को भी। तो यार मतलब मुझे चाइना की मैं सोच के हमेशा मैं ये कहता हूँ, वो बेचारा भी बोलता होगा कि भाई किससे पंगा ले लिया, और भाई मतलब ये कुछ भी मैं अपना लेकर आता हूँ लेकिन ये उसका फौरन वो बना लेते हैं यार। पता है क्या, अपना उसको काउंटर करने के लिए असल में शायद ये इंडिया इस तरह कभी भी ना करता। ये चाइना ने खुद जो है ना जो मारी है, चाइना इस टाइम इंडिया इस टाइम सीरियस नहीं था पहले, इस टाइम इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है कि अनकरीब आने वाले वक्त में जो इसकी टेक्नोलॉजी है इंडिया की, वो इंडिया की टेक्नोलॉजी रशिया को अमेरिका को इसको भी आगे शायद निकाल जाए। मतलब इस किस्म के जदीद किस्म के वेपन बहुत ही ज्यादा हैवी, ये अभी किसी ने सोचा था ये जो वेपन प्रोजेक्ट 18 है ये मेरे ख्याल से अभी तो अमेरिका के और रशिया के जहन में भी ये चीज नहीं। अगर हुआ भी होगा तो एक या दो चीजें शामिल हो, इसमें तीन तीन किस्म की टेक्नोलॉजी, तीन किस्म की टेक्नोलॉजी है। तो आप बताए यार, बहुत ही मुझे घातक वेपन लग रहा है, आपका क्या इसके बारे में कहना है ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।